Hi, so this question is from June 2016. So ordinary differential equation ka question hai. Lambda belongs to R given hai aapko aur equation hai y dash equal to lambda times sine of x plus y of x equal to aur initial condition di hui hai y at 0 equal to 1. Theek hai? एंड ऑप्शन में है कि दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन इन एनी नेबरहुड ऑफ जीरो देन अ सोल्यूशन इन आर इफ लैम्डा मोड लैम्डा लेस देन वन अ सोल्यूशन इन अ नेबरहुड ऑफ जीरो एंड अ सोल्यूशन इन आर ओनली इफ मोड लैम्डा ग्रेटर देन वन. तो अगर मैं यहाँ डिस्कशन करूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है आपके पास क्या है, लैम्डा टाइम साइन ऑफ x प्लस वाई है. ये फंक्शन कंटिन्यूस है एंड बाउंडेड है फॉर एवरी लैम्डा. और अगर मैं इसका सुप्रीमम देखूंगा एफ ऑफ एक्स वाई का तो वो क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि साइन x प्लस वाई इसका अपर बाउंड वन रख सकते हैं. तो ये आपके पास बाउंडेड है तो एग्जिस्टेंस थ्योरम से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. एंड इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करता हूं तो वो क्या जाएगा, लैम्डा टाइम साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा, विच इज ऑल्सो कंटिन्यूस एंड बाउंडेड. तो ये फंक्शन लिप्सिस कंटिन्यूस भी है और अगर फंक्शन लिप्सिस कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली यूनिकनेस थ्योरम से दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. और वो सॉल्यूशन कहां डिफाइन होता है, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन एच. और एच कैसे आप कैलकुलेट करते हो, मिनिमम ऑफ सम बी बाई एम एंड ए ऑन आर. आर जो होता है एक रेक्टेंगल डिफाइन करते हैं यहां पर एक्स कॉमा वाई सच दैट मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए एंड मोड ऑफ वाई माइनस वन लेस देन और इक्वल टू बी इस रेक्टेंगल पे. और ए और बी आर्बिटरी है. यहाँ m जो है वो लैम्डा है, लैम्डा कोई भी वैल्यू लेंगे तो h आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ b बाई लैम्डा एंड a. a और b आर्बिटरी है तो मैं h को कितना भी लार्ज कर सकता हूँ. तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड विच इज डिफाइन ऑन होल रियल लाइन, पूरे रियल लाइन पे डिफाइन है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कोई भी लैम्डा पिक कर लो प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहा है कि नो सॉल्यूशन इन एनी नेबरहुड ऑफ जीरो, फॉल्स हो गया. सेकंड कह रहा हैज अ सॉल्यूशन इन आर इफ मोड लैम्डा लेस देन जीरो, हर लैम्डा के लिए ट्रू है तो मोड लैम्डा लेस देन जीरो के लिए, लेस देन वन के लिए भी ट्रू होगा. थर्ड कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इन अ नेबरहुड ऑफ जीरो ट्रू है. फोर्थ कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इन आर ओनली इफ मोड लैम्डा ग्रेटर देन वन, फॉल्स हो गया. ठीक है, तो आंसर इज बी एंड सी. तो बेसिकली क्वेश्चन है पिकार्स एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम.